जनाब आप सबको बहुत बहुत सलाम, ढेरों दुआएं आप सबके लिए, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। जो लोग जहाँ भी इस वक्त मेरा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो उनको अपने टाइम के हिसाब से जो है मेरी बेस्ट विशेज, जो इंग्लिश में कहते हैं गुड मॉर्निंग, जहाँ पर मॉर्निंग को नून, जहाँ पर दिन के 12 बजे में आफ्टरनून 12 से लेकर 4-5 बजे तक आए, गुड इवनिंग 5 बजे से लेकर आपके रात के सोने तक होता है। लेकिन कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है, वो समझते हैं कि जब रात होती है तो वो गुड नाइट होता है। तो मैं अक्सर जो है स्टूडेंट्स को बताता था कि भाई गुड नाइट उस वक्त कहा जाता है जब रात में आप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो उसको गुड नाइट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो गुड नाइट भी नहीं कहते, सिर्फ नाइट कहते हैं। और कहीं भी आप चले जाएँ तो आपको जो है वो ऐसे कहते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग कहेंगे, गुड मॉर्निंग कोई नहीं कहता। हमारे जैसे लोग जब गुड मॉर्निंग कहते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई देसी लोग हैं और पता नहीं कहाँ से आए, पाकिस्तान से आए हैं, पता नहीं इंडिया से आए, पता नहीं बांग्लादेश से आए या श्रीलंका से आए, पता नहीं कहाँ से। बहरहाल टिकट शाक, तो मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैंने टेलर स्विफ्ट का जो है वो जो उन्होंने अभी टूर किया है, जिस टूर को उन्होंने नाम दिया है इराज का ERAS, तो मैंने गूगल किया तो उस वर्ड की मीनिंग ये बताई गई है कि सर्जरी के बाद जो है किसी भी पेशेंट को फास्ट रिकवरी के लिए जो केयर की जाती है या और जो मतलब पेशेंट के हिसाब से उसकी किया जाता है देखभाल और सब, उसको इराज कहते हैं। तो मकसद ये है कि मेरा ख्याल मीनिंग इसकी ये होगी टूर की, पूरे सॉन्ग्स को सुनकर या इस कॉन्सर्ट को सुनकर उन लोगों की जो है वो जिस किस्म की भी सर्जरी हो, किसी के मन की सर्जरी, किसी के रूह की सर्जरी, किसी के दिमाग की सर्जरी, किसी के ब्रेन की सर्जरी, वाट एवर उनके अंदर जो भी जो है गड़बड़ कहीं हो रही थी, तो उनकी वो गड़बड़ जो है वो टेलर स्विफ्ट के सारे ये सॉन्ग सुनकर दूर हो जाएंगे। मतलब इस तरह का बड़ा डिफरेंट नाम है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जहाँ तक पूरे शो का ताल्लुक है, तकरीबन 3 घंटे का, 2 घंटे 50 मिनट का है। और मैंने जो हमने IMAX थिएटर में देखा है तो उसका इफेक्ट भी कुछ और होता है। आपको पता, मेरा ख्याल आप सब लोगों को पता होगा कि IMAX थिएटर्स जो हैं वो उनको बाकायदे जिस तरह से कोई फ्रेंचाइज या ब्रांडेड चीज़ होती है तो उनको जो है वो ख़ास तौर पर उनके आदमी आते हैं। मैंने काफ़ी ऐसा पहले गूगल किया था तो उसमें मुझे पता चला था कि सबसे पहले ये इन्वेंशन समय करें जो कुछ भी रेनोवेशन थी अपग्रेड किया था उन्होंने थिएटर्स को, तो ये फ्रांस में हुआ था। और अभी भी वो चूँकि उनकी फ्रेंचाइज है इसलिए जहाँ भी आपको IMAX थिएटर लगाना पड़ता है तो ये लाजमी है कि वो लोग और उनके टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स वो खुद आते हैं और बिल्कुल वो हॉल, पहले तो हॉल देखते हैं कि ये हॉल इतना बड़ा है कि उसकी साइज़ जो है चौड़ाई और लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो होनी चाहिए। फिर स्क्रीन जो है वो नया लगाते हैं, मैंने देखा था एक बार वीडियो जो है इसमें वो सारा बताते हैं कि IMAX थिएटर जो है किस तरीके से उसको बनाया जाता है या तब्दील किया जाता है। उन्होंने तो पहले थोड़ा नॉर्मल मोशन में दिखाया, फिर थोड़ा फास्ट करके दिखाया, पता नहीं उसमें कितने दिन, हफ्तों या महीने लगते हैं जाकर करने। मेरे ख्याल इंडिया में भी किसी एक सिनेप्लेक्स के सिनेमा हॉल्स हैं उनमें जो है एक IMAX थिएटर जो है वो बना है मेरा, तो उन्होंने बड़ा प्राउडली वो सारा दिखाया कि कैसे बना है, क्या बना है। मुझे अब पता नहीं कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली IMAX थिएटर्स जो रियल है वो है या नहीं। यहाँ पर भी मैंने जो है 2-3 जगहों पर IMAX में मूवी देखी, लेकिन जो डंडास स्क्वायर पर यहाँ पर IMAX है उसकी क्वालिटी का और कोई भी नहीं। हालांकि हमारे घर के बिल्कुल करीब है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर है या 1.3 किलोमीटर पर भी एक सिनेमा है, तो उसमें तकरीबन वहाँ पर 16 सिनेमाज हैं, लेकिन यहाँ पर डंडास स्क्वायर पर 30 सिनेमाज हैं। एक ही लोकेशन पर 30 थिएटर्स या सिनेमास का होना ये बहुत बड़ी बात है। और ये 4th फ्लोर के ऊपर इनके सिनेमास शुरू होते हैं और 4th फ्लोर के ऊपर जो है
वो टिकट वगैरह का है, सारा कुछ है, और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और भी रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन इनके अपने रेस्टोरेंट्स हैं, और एक VIP रेस्टोरेंट है जिसके अंदर स्पेशली जो है सारे लवाजमात हैं, ड्रेस वगैरह का भी इंतजार है। और VIP सनमाज में अगर आप हैं तो वहाँ पर अंदर लोग सर्व भी करते हैं, जिसमें लड़के लड़कियाँ सब होते हैं, लेकिन उनकी अच्छी बात यह है कि वो इस तरह से सर्व करते हैं कि जैसे ही मूवी अभी शुरू होने वाली हो तो वो सब निकल के चले जाते हैं, और कोई ऑर्डर उस वक्त वो नहीं लेते जब उन्हें पता है कि ये मूवी शुरू होने से पहले सर्व नहीं कर सकेंगे। मजबूरी में अगर उनको खड़ा भी होना हो तो साइड पर हट के एक कोने में खड़े होते हैं ताकि आपकी मूवी डिस्टर्ब ना हो, और सारा वो साफ उनके आईपैड होते हैं उसी पर ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर पहले ही वहाँ पहुँच जाता है रेस्टोरेंट में। ताकि मैं कुछ ऐसा पहले मैं भी गया था वहाँ पर एक बार, अब उन्होंने ये शर्त ख़त्म कर दी है कि भाई अब आप VIP थिएटर में मूवी देखने आएंगे तो ही आप वहाँ पर जो है वो फैसिलिटी आ रहा है। अब उन्होंने कहा है कि कोई भी आदमी हो लेकिन ये हो कि उसके पास टिकट होना चाहिए, कहीं पर भी वो मूवी देख रहा हो, 30 थिएटर्स हैं सिनेमा को, उसमें वो कहीं भी देख रहा हो वो आकर वहाँ पर टिकट सिर्फ दिखाए या टिकट ना भी दिखाए, डेफिनेटली जो बंदा वहाँ तक पहुँचा है तो बगैर टिकट के तो वो आ ही नहीं सकता, एंट्री पर जो है टिकट को दिखाना पड़ता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे देसी भाइयों को मैंने देखा है कि टिकट एक दिन आकर लेते हैं, जैसे ट्यूसडे जो सुबह को पहले ही शो में आ जाते हैं, 11 बजे होता है पहला शो ट्यूसडे, उसके बाद ट्यूसडे को तो टिकट भी कम होते हैं, उस पर टिकट लिया है, और कुछ लोग होते मैंने देखा है 4-4 मूवीज भी देखते हैं। मैंने कहा भाई मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप कैसे देखते हो, साथ में वो कपड़े भी लेकर आते हैं गर्म, जो सिनेमाज में लगता है हर रख जो है तकरीबन 10 रखा होता है, मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ 15 तो ये रखा ही नहीं है क्योंकि 15 इनके लिए गर्म होता है। वापस आते हैं वो कॉन्सर्ट की तरफ, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सर्ट था, और जैसा कि मैंने बताया था मैंने उसकी वीडियोज़ तो देखी थी टेलर स्विफ्ट की काफ़ी, लेकिन इस तरह से लाइव जो है इतने बड़े स्क्रीन के ऊपर उनको पहले नहीं देखा, तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। और उसमें उन्होंने बताया कि 17 साल उनको आ गए हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए हुए, और ये सारा उनका टूर जो है, अभी मैंने गूगल करके रिव्यूज़ वगैरह देखे तो उन्होंने बताया कि उनके 17 साल का पूरा जो म्यूज़िक का वर्क है जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है या जो उन्होंने परफॉर्म किया है वो सारा का सारा 17 साल के म्यूज़िक का निचोड़ जो है इस टूर के अंदर उन्होंने डाल दिया। अभी तो ये थिएटर्स के अंदर जो है इन्होंने रिलीज किया है वर्ल्ड वाइड, वो मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था कि इनकी जब लोगों को पता चला कि थिएटर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो आ रही है तो उसके जो टिकट सेल हुए हैं वो सिर्फ USA में सिर्फ इनका जो है अपना AMC जो थिएटर्स है उसके अंदर वो बता रहे हैं कि $10 million की तो एडवांस बुकिंग हो गई। अब ये जब तक चलेगा तो इसका कितना बिजनेस होगा, और डेफिनेटली ये बहुत महंगा भी बिका होगा उस हिसाब से, क्योंकि जो चीज़ इतनी अच्छी है तो महंगी बिकती है, इसलिए यहाँ पर भी टिकट से रेट कंपेरेटिवली ज़्यादा थे। नॉर्मल रेट तो IMS के तकरीबन सीनियर से लिए जो है वो $17-18 होते हैं। हम जब आए थे 2010 के अंदर, सॉरी 13 के अंदर, तो उस वक्त तो मेरा ख्याल $13 का सीनियर था, लेकिन आस्ता आस्ता बढ़ा के इन्फ्लेशन की वजह से आज तकरीबन $15-16 हो गया है सीनियर्स के लिए। तो आज भी सीनियर्स के लिए तो स्पेशल जो है वो डिस्काउंट था, लेकिन जो नॉर्मल बंदा है या एडल्ट आदमी है उसका टिकट जो है तकरीबन $26 का। मैंने उनसे मजाक किया, मैंने कहा भाई लोगों से $26 आप ले रहे हैं एक मूवी के लिए, मैंने कहा मूवी है या कंसर्ट जो भी है लाइव चलो परफॉर्मेंस है वो देखो आप दिखा रहे हैं, लेकिन $26 तो बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने कहा कि सर टेलर शर्ट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव है, मैंने सोचा पता नहीं गर्ल है या नहीं है पैरान, मैंने कहा लेडी तो है और डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और चूँकि 17 साल की पूरी उनकी जो वर्क है या जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें से चुन चुन के उन्होंने गाने रखे थे। यहाँ पर अच्छी बात तो ये है कि अगर वो कंसर्ट आप उसी जगह पर देखते जहाँ पर इन्होंने जो है उसको परफॉर्म किया था, बीच में उन्होंने बताया कि ये परफॉर्मेंस उनकी मतलब USA की आखिरी सिटी है जिसमें वो कर रही हैं, कि उनका ये वर्ल्ड टूर अभी चल रहा है, तो USA की वो आखिरी सिटी थी। मैंने गूगल किया
तो पता चला कि लॉस एंजल्स के पास जो है थोड़ा बाहर जो है कहीं पर शुरुआत में कोई बहुत बड़ा थिएटर है और ऐसे शोज डेफिनेटली शहर से थोड़े बाहर रखे जाते हैं और स्टेडियम बहुत बड़ा दिखाया जितने लोग मुझे उसमें नज़र आ रहे थे। अब मैं सही तो नहीं बता सकता, सबने अपने मोबाइल फ़ोन जो है उनकी जो आगे टार्च होती है उनको ऑन किया हुआ था, पता नहीं वो पता भी नहीं रही होगा, साथ पावर पैक लेकर आए होंगे तो उसके साथ सब नाच रहे थे या थिएटर के अंदर भी लड़के लड़कियाँ बैठे हुए तो सीटों के ऊपर थे लेकिन अपने हाथों से अपनी गर्दन से अपनी टांगों से कोई जो सीट बजा रहा था, कोई अपने पाँव के ऊपर वो हाथ मार के इंजॉय कर रहा था, कोई सर हिला रहा था, कुछ ज़्यादा हिला रहा था, कुछ लोग मेरे आगे बैठे थे लेडीज़ और लड़के जो हैं वो तो उनके बस में होता सीटों से ऊपर उछल रहे थे और कुछ लोग तो इतने हो गए जो बीच में बाहर भी जा रहे थे आई एम श्योर कि ड्रॉइंग करके आते होंगे कि ज़रा स्विंग लगा के आए फिर ज़्यादा मज़ा आएगा, तो सूटा लगाने के लिए बाहर चला गया क्योंकि सूटा आप अंदर तो नहीं लगा सकते, आपको बिल्कुल सनमाल से उस चौथे या पाँचवें फ्लोर से नीचे जाना पड़ता है एस्केलेटर से। शुक्र है कि एस्केलेटर से तो जल्दी आप जाते हैं और वहाँ पर भी इतनी एक हद है कि जो बिल्डिंग है उससे आप 30 मीटर दूर जाकर मिलोगे, वहाँ पर जाकर आप स्मोकिंग कर सकते हैं जहाँ पर उन्होंने जनरली लोग जाते हैं स्मोकिंग के लिए, वो खुली जगह पर है लेकिन थाईलैंड में तो मैंने देखा वहाँ पर आम जगह पर भी नहीं करने देते, तो वो फिर होटल्स के अंदर भी अगर कमरे जो हैं हम गए थे तो वो होटल्स के अंदर भी उनको वो रूम्स जो हैं वो स्पेशल देते हैं, वो टॉप फ्लोर पर होते हैं तो वहाँ का एग्जॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उस कमरे का एग्जॉस्ट ज़्यादा फुल होता है बल्कि ज़्यादा हो सकता है दो एग्जॉस्ट लगे हुए होते हैं, वो फिर वो ऊपर हवा जो है डायरेक्ट उस छत से ऊपर ही चली जाती है, नीचे का फ्लोर वगैरह कोई नहीं, टॉप फ्लोर पर होता है। शेख साहब का तो आपको पता है कि जब तक उनको सूटा नहीं मिले तो उनको पता ही नहीं आता, बहरा बहुत अच्छा है और अगर आपको भी डेफिनेटली मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान में और इंडिया में भी ये हो सकता है साथ ही रिलीज़ हो गया हो तो इसको मतलब कॉन्सर्ट की मूवी का नाम दे रहे हैं लेकिन मज़ा जो है वो लाइव परफॉर्मेंस जिन लोगों ने वहाँ पर देखी है वैसे दिन उससे भी ज़्यादा इसलिए आता है कि इसमें वो जो कास्ट्यूम चेंज करने के लिए जाती है तो वो टाइम भी उन्होंने कट कर दिया है और जो बीच में उधर उधर की बातें और सारा सब कुछ माइनस करके और उसको सिर्फ 249 मिनट पे उन्होंने बहुत शार्प एडिटिंग से करके दिखा दिया है, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं है, टू द पॉइंट है, थोड़ा बहुत बीच में बताती रहती है और आखिर में जैसे कोई ऐसी बात नहीं है, शार्प है बिल्कुल 249 मिनट। और मेरे साथ तो ये हुई, मैंने समझा कि जैसे थिएटर कोई लाइव जब दिखाते हैं तो यहाँ पर हो रहा हो कहीं पर, मैंने कई देखे हैं यहाँ पर लाइव उधर भी देखा था, तो उसके बीच में इनकी एक रीत होती है कि अगर थिएटर है तो बीच में इंटरवेल या ब्रेक ही करते हैं क्योंकि तकरीबन 3 घंटे का होता है, इसमें तो आज इन्होंने ब्रेक ही नहीं की, इसको इन्होंने मूवी ठीक किया, अब 2 घंटे 50 मिनट जो है चले मज़ा तो आ रहा था सब कुछ है, पानी में अपने साथ ले जाता हूँ, खाने की चीज़ें भी साथ होती हैं, डायबिटिक फूड रहता तो बहुत अच्छा है। और मैं बड़ा स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि जब आपके शहर में आए अभी आया हुआ हो तो इट इज़ अ मस्ट वॉच, बिल्कुल इसे ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, चाहे आप फैन हों अगर सोचिए यू विल इंजॉय और आपको जैसे आप वहाँ ये भी गए होंगे उससे ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इसमें कैमराज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और उनकी फिर वो मुख्तलिफ एंगल से और एक ही वक्त में जो है वो 2-2 3-3 फ्रेम में उनको दिखाया गया, तो वो महारत जो है डायरेक्टर की और एडिटर की और सबकी है बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर देखें। और मेरे हिसाब से मैं इसको मतलब 5 स्टार्स हैं तो 5 में से 5 जो है वो देने पर मजबूर हूँ, हालाँकि आज तक मैंने कभी भी नहीं कहा कि 5 में से 5 है, यही हाल मेरा मार्किंग में होता था लेकिन पिटारों में तो यही होता था, लेकिन जब हयात गर्ल्स कॉलेज में गए तो वहाँ पहली बार जब मैंने लड़कियों के पेपर असेस किए वो सब ठीक पड़े, उन्होंने कहा क्योंकि वहाँ उनको ऑलरेडी इतना स्पॉइल कर दिया गया था मार्किंग के हवाले से कि मेरे मजबूर होकर मुझे भी अपनी असेसमेंट जो है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ा और वो फिर लड़कियाँ मुझे यहाँ तक ही चली गई थी 85 मार्क्स भी देता था, वो कहती नहीं सर फिलहाल तो 90 दिए हैं, मैंने कहा भाई मैं 90 मार्क्स, मैंने कहा मेरे हिसाब से तो 60-62 अपन साहब तो किसी को 60 देते
क्या मैं तो फिर भी 60 दे देता था, 68 भी दे देता था, लेकिन बहुत अच्छे जो स्टूडेंट थे उनको 70 तक भी दे देता था। कोई डांटना हो तो कभी ज़िद करके 75 भी करा देता था। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो 5 में से 5 स्टार मस्ट वॉच है, ज़रूर देखें। कद्दूस टू टेलर स्विफ्ट टू द डायरेक्टर जिन्होंने इस मूवी को जो है शूट किया है, उसकी एडिटिंग की है, सब कुछ, सिनेमा फोटोग्राफर और म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं पता नहीं डिफरेंट होंगे। सॉन्ग्स तो मोस्टली इन्होंने खुद ही लिखे हैं, वो बता रही थी, लेकिन खुद भले जो भी लिखें लेकिन उनके पीछे लोग होते हैं, ग्रहण होते हैं, क्योंकि इनका तो एक एक चीज़ सारी, साथ में जो और जो एक्टर्स थे, यहाँ एक्टर्स थे, अब तो एक्ट्रेसेस और एक्टर नहीं कहते, सबके लिए एक्टर का वर्ड यूज़ करते हैं। उनकी साथ में परफॉर्मेंस भी बहुत आता है, सेट डिज़ाइन एक्सीलेंट है, बल्कि सुपर्ब है, लाइटिंग उससे भी ज़्यादा अच्छी है, तो ज़रूर देखना। मैं और ज़्यादा कितनी तारीफ करूँ, तो आपको अच्छा मेरा ये रिव्यू अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसको लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। God bless you.